नगर निगम बरेली के इतिहास में मोहल्ला कानकर टोला पुराना शहर निवासी सैयद शराफत अली का परिवार 1989 से लगातार पार्षद का चुनाव जीतता रहा है। 1989 के बाद 1994 और 2000 में लगातार 3 बार सैयद शराफत अली पार्षद चुने गए। नगर निगम में उपसभापति के पद पर रहे सैयद शराफत अली के परिवार से सन 2005 में उनकी पत्नी पार्षद बनी। उसके बाद सन 2011 में उनके पुत्र सैयद रेहान अली पार्षद चुने गए और उपसभापति के पद पर रहते हुए अपने क्षेत्र का चौमुखी विकास कराया। वर्तमान समय में पूर्व उपसभापति सैयद रेहान अली की पत्नी तबस्सुम नफीस को क्षेत्रीय जनता ने पार्षद बनाकर सैयद परिवार में आस्था व्यक्त करते हुए पार्षद बनाया। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि सैयद शराफत अली परिवार ने कानकर टोला, जगतपुर, रोहली टोला, मोहल्ला कोट, माधोबाड़ी, रबड़ी टोला, कटी कुया, काजी टोला, लोधी टोला, रबड़ी टोला, सूफी टोला, हजियापुर आदि क्षेत्रों सहित लगभग 1.5 दर्जन मोहल्लों में अपने कार्यकाल के दौरान विकास कार्य कराना और क्षेत्रीय जनता को राहत पहुंचाना सैयद परिवार की जैसे परंपरा बन चुकी है। इस संबंध में आज हमारे संवाददाता ने वार्ड नंबर 39 की पार्षद तबस्सुम नफीस के पति पूर्व पार्षद एवं पूर्व उपसभापति सैयद रेहान अली से मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान सैयद रेहान अली ने कहा कि हमारे वालिद मरहूम सैयद शराफत अली 1989 में पहली बार पार्षद बने थे। जब एक वार्ड से 2 पार्षद चुने जाते थे, उस समय हमारे वालिद मरहूम सैयद शराफत अली ने क्षेत्रीय जनता के साथ जो रिश्ते कायम किए थे, आज भी वो रिश्ते जनता से वैसे ही बने हुए हैं। क्षेत्रीय जनता के साथ 32 सालों से जो रिश्ता बना है, उसी परंपरा को हम हर संभव कायम रखना चाहते हैं। हमारे परिवार के लोगों को अलग अलग क्षेत्र की जनता ने हर बार हमारे परिवार पर विश्वास करके हर चुनाव में अपने वोट और सहयोग से हमारे परिवार से पार्षद चुनकर नगर निगम भेजा है। पूर्व उपसभापति सैयद रेहान अली ने अपनी पार्षद पत्नी तबस्सुम नफीस के द्वारा अब तक कराए गए विकास कार्यों की जानकारी के साथ ही भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए पूर्व पार्षद सैयद रेहान अली ने बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। मैं सैयद रेहान अली, इस वक्त वार्ड 39 से मेरी वाइफ सभासद हैं और कार्यकारिणी नगर निगम में कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। और इससे पूर्व में मेरे फादर 89 में पहला चुनाव जीते थे, जब 2 सभासद 1 वार्ड से हुआ करते थे। उसके बाद वो 3 बार वो जीते और एक बार मेरी मम्मी जीती, एक बार पिछली बार में मैं खुद पार्षद था, वर्तमान में मेरी वाइफ श्रीमती तबस्सुम नफीस पार्षद है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 89 से हमारे घर में नगर निगम की सियासत रही है, तो मेरे फादर भी वाइस चेयरमैन रहे, फिर मेरा कार्यकाल आया तो मैं भी वाइस चेयरमैन रहा, पीछे बोर्ड में वाइस चेयरमैन था। तो लोगों की इतनी मोहब्बत है हमारे परिवार के प्रति कि जहाँ से हम चुनाव लड़ते हैं लोग हमें जिता देते हैं। क्या कोई ना कोई अच्छी बात हमारे अंदर रही होगी या लोग हमें पसंद करते होंगे, इस तरह से रहा है। मेरे फादर बहुत ही फेमस समाज सेवी थे, और सैयद शराफत अली, और जो कि पूरी बरेली शायद उन्हें जानती थी। पिछले 5 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। रेहान साहब, आपका वार्ड नंबर 39 एक बड़ा वार्ड है जिसमें लगभग कोट, काकर टोला और हजियापुर का कुछ बड़ा क्षेत्र जो है पुरानी आबादी का वो आता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका लगभग 4.5 साल का कार्यकाल हुआ है, इसमें कितने कार्य अब तक किए गए हैं और कौन से ऐसे खास कार्य हैं जो कि काफ़ी समय से लोग नहीं करवा पा रहे थे। ये जिस वार्ड से मैं 39 से सभासद हूँ, वहाँ हजियापुर, इसमें मेरे वार्ड में पहली बार जुड़ा है, जो कि बहुत ही पिछड़ा वार्ड था। उसके सड़कें इस तरह से थी, जब मैं पहली बार जीत के आया, मेरा जुलूस वहाँ गया तो मैं पानी में वहाँ से निकला, तो मैंने देखा कि बहुत बड़ी दुर्दशा है मेरे वार्ड की और ख़ासतौर से हजियापुर के वासियों की, बहुत ही बुरी उस स्थिति में रहा करते थे। फिर अभी इससे पूर्व में मैंने 2 सड़कें वहाँ पर कराई, एक जो मेन रोड की सड़क आती है और एक वारसी गली जो है वो इस वक्त निर्माणाधीन है, उसमें भी काम चल रहा है। सिवर का काम जो क्षेत्र में था बहुत ज़रूरी था, सिवर नहीं थी तो वो सिवर मैंने कराई, ट्यूबवेल लगवा दिए और रोड लगभग 80% से ज़्यादा काम निबट चुका है मेरे वार्ड का। रेहान साहब, ये बताइए, जैसे कि हजियापुर 89 से उपेक्षाओं का शिकार रहा और पहली बार हजियापुर का पुराना हिस्सा जो है, पुरानी आबादी वाला, वो आपके क्षेत्र में आया, जो कि बहुत ही दलितों से बदतर ज़िंदगी वहाँ के लोग गुजार रहे थे,
उसमें आपने काफ़ी सड़कों वगैरह काम कराया, अब हम ये जानना चाहते हैं वहाँ के लिए कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपके पास? अभी एक प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि हमारे सभासद हैं साथी, उनके आबासी साहब के और मेरे प्रयास से वहाँ जो पानी की समस्या थी उसको दूर करा गया है। जो पानी हो जाता था, आपने देखा होगा आश्रय गृह के बराबर में एक बना है संबैल, उसमें जो है सब पानी पूरी उसकी निकासी होती है और लगभग एक घंटे के अंदर सारा पानी वहाँ से अजियापुर बस्ती से बाहर हो जाता है। प्रयास साहब, तीन एरिया आपके 39 वार्ड में आते हैं, किस किस एरिया में कितनी सड़कें बन गई हैं, कितना वहाँ पानी की व्यवस्था हो गई है, कितनी सीवर की व्यवस्था होगी, इस पर थोड़ा सा विस्तार से बताएं। लगभग सीवर का 90% काम निबट चुका है। जिन क्षेत्रों में नहीं पड़ पाई है तो वहाँ लोगों का सजेशन रहा कि यहाँ पर सीवर ना पड़वाइए, इस वजह से वो क्षेत्र बचे रह गए। लेकिन आज भी मेरे वार्ड में इस वक्त काम हो रहा है, मैं आपको चल के दिखा सकता हूँ कि सीवर का काम बहुत लार्ज स्तर पर चल रहा है। रिहान साहब, चूँकि 4.5 साल आपके कार्यकाल के गुजर चुके हैं और अगला चुनाव नवंबर में लगभग होना ही है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपने क्षेत्र के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसे अगले कार्यकाल में पूरा करेंगे? लगभग जो प्रोजेक्ट हैं वो लगभग मैं इसी कार्यकाल में पूरा कर दूंगा, और जो कोई बचा, यदि कोई बचा, तो मैं अगले कार्यकाल में ज़रूर उसको पूरा कर दूँगा। रिहान साहब, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो जनहित की योजनाएं हैं उनमें कितने प्रतिशत लोगों को लाभ मिल चुका है आपके कार्यकाल में? लगभग जैसे आयुष्मान कार्ड है वो, उसमें जो है काफ़ी लोगों ने सहयोग भी लिया है और खुद भी इसमें अवेयरनेस है लोगों में कि ये हमारे लिए अच्छा है, तो उसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और जो मुझे मुझसे कहते हैं कोई उन्हें परेशानी आती है तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि आयुष्मान की जहाँ तक बात करेंगे तो इसका जो भी क्रेडिट जाता है वो आपके परिवार को जाता है, क्योंकि आपके पिताजी के दौर में, आपकी माताजी के दौर में, आपके दौर में जो सर्वे हुआ था उसमें आयुष्मान कार्ड के लोगों के नाम दर्ज किए गए थे, उसका भरपूर फायदा मिल रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं उज्ज्वला गैस योजना और जो अन्न राशन की योजना है उसका कितने प्रतिशत लोगों को फ़ायदा मिला है? लगभग हमारे क्षेत्र में उज्ज्वला का कोई बहुत ख़ास नहीं रहा, क्योंकि उसमें जो क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं हो पाया, इसलिए वो लोग वंचित रह गए, उस योजना का बहुत बड़ा लाभ नहीं मिल पाया उज्ज्वला। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप दोबारा अगर पार्षद बनते हैं इस क्षेत्र से, क्योंकि आपकी जनता आपको बहुत पसंद कर रही है, तो कोई ऐसा बड़ा काम करवाएंगे जो कि लोगों के लिए एक सपना होगा? ज़रूर कराएंगे, लेकिन इस गवर्नमेंट में थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यकों के लिए काफ़ी दूरियाँ हैं, तो ये लाभ जो है जो उन्होंने स्कीमें बनाई हैं ज़्यादातर इसमें जो है जो हमारी कम्युनिटी के अलावा लोग हैं उनको फ़ायदा मिलता है, हमारी कम्युनिटी को नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर मैं दोबारा इसमें चुन के आ गया तो क्षेत्र की एक एक समस्या, चाहे पानी की हो, चाहे सीवर की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की हो, जो भी मुझसे संबंधित है मैं उसको पूरा करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। रिहान साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों, जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आगामी नगर निगम चुनाव के बारे में? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो आगामी चुनाव है उसमें बहुत सूझबूझ के अपना वोट करें, और यदि उन्हें लगता है कि मैं ठीक हूँ तो मुझे वोट करें, अन्यथा जो है उन्हें जो अच्छा लगेगा, जनता किसी के कहने में तो आती नहीं है, जो उसे अच्छा लगता है, उस चेहरा उसको पसंद करती है। मैं भी यही अपनी कोशिश करूँगा कि भाई मैं भी जनता के बीच पूरा तौर पर अच्छा उतर जाऊँ, तो और जो जनता मुझे पसंद करे जिन कामों से।